Hey, Mark.
रहमान बज रही है बहुत ज्यादा, एक बार बजिए उठ के देखो। अच्छा वैसे देखो ना, मैंने तो पेरेंट्स नहीं जाना। लास्ट बार काफी ज्यादा जाने में छोटे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। पार्टिसिपेंट्स काइंडली अपना माइक म्यूट रखें, और जब आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए या आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फिर अपना माइक जो है वन म्यूट कर लें। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअली व्हाट द पेशेंट सेफ्टी इज। इसके अलावा हमने डिफरेंस देखा था एरर और वायलेशन में। हमने कॉन्सेप्ट लिया था कि ह्यूमन फैक्टर क्या है और हाई रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं और वो किस तरह वर्क करती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा हमने स्विस चीज मॉडल को भी देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बी एन इफेक्टिव टीम प्लेयर। टीम स्टेप्स एक हेल्थ केयर एजेंसी है जिसने आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ रिसर्च जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि एक इफेक्टिव टीम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हेल्थ केयर सिस्टम रिगार्डिंग हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर डिफरेंट टीम्स जो हैं वो कौन सी हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एक अच्छे लीडर की और एक मैम आपके माइक में थोड़ा शोर है। अब ठीक है मैम, वो मैं हेडफोन्स की वजह से शायद इस तरह की आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा वो जैसे नॉइस सी क्रिएट कर रहा है। अब आवाज क्लियर है? यस मैम। ओके, टीम स्टेप्स मैंने बताया कि हेल्थ केयर एजेंसी है जिसने आफ्टर 25 इयर्स ऑफ रिसर्च है उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि एक इफेक्टिव टीम क्या होती है। हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम्स क्या होती हैं और लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती हैं हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। सबसे पहले जो उन्होंने टीम को डिफाइन किया था, टीम इज लाइक अ सिस्टम। जैसे हमने सिस्टम को डिफाइन किया था जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, इसी तरह टीम के अंदर दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। टीम की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि उनका इंटरेक्शन डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता, वो चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उनके कॉमन गोल्स होते हैं, उनका पर्पज होता है। ऑल द टीम मेंबर्स इन अ टीम, उन सबके रोल्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं, सबके लिए स्पेसिफाइड होते हैं। और लास्ट जो है हर टीम मेंबर की अपनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स होती हैं। हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम्स इन्वॉल्व होती हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मेडिकल इमरजेंसी के अंदर एक पेशेंट प्रेजेंट करता है विद गन शॉट इंजरी के साथ टू द राइट साइड ऑफ चेस्ट। इन दैट केस जो टीम फॉर्म होगी इमरजेंसी के अंदर, it will involve the medical emergency residents, number 2 radiologist involve honge, aur number 3 jo hai wo thoracic surgeon ko involve karenge. is case mein 3 medical professions jo hain they are working together. usme ye tino different jo humne kaha ki different teams hoti hain uske andar ye jo example hai wo sab ke andar aa jati hai. number 1 usme multi professional aa gaye. number 2 वो तमाम जो डिफरेंट टीम्स थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे। वन वॉज थोरेसिक सर्जन था,
One was radiologist and other was medical emergency the residents. They were all distributed. Lekin then at the time of emergency, jo hai, resident of the thoracic surgery, usko call kiya gaya, radiologist aa gaya. They were present at the same place. Next, jo hoti hai, teams jo hoti hai, wo transient ho sakti hai. They are formed for a short duration ya long standing ho sakti hai. For example, ek medical ward ke andar jo maujood residents hai, they will stay there for 4 to 5 years. So, wo jo ek team banayenge, consisting of the consultants, residents, and nursing staff, hai, that will be long standing. On other hand, jisse maine emergency ke ek aapko example diya, us case ke andar jo team formation hoti hai, wo transient hai. That is for a short duration of time. नेक्स्ट टीम स्टेप्स ने जो है डिफरेंट टीम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीम्स को आइडेंटिफाई किया था हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर. नंबर वन, उन्होंने एक पिरामिड है उसको क्रिएट किया. उस टॉप ऑफ पिरामिड में पेशेंट है, पेशेंट केयर और पेशेंट सेफ्टी है. नंबर वन इज द कोर टीम. कोर टीम वो टीम है जो जिसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है पेशेंट के साथ, पेशेंट के डायग्नोसिस के साथ, उसके एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन और पेशेंट मैनेजमेंट के साथ उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. इसके एग्जाम्पल्स हो सकती हैं डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, दे आर द वंस हु आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट. सो ये कोर टीम में इंक्लूड होंगे. नेक्स्ट आर द कोऑर्डिनेटिंग टीम्स हैं. कोऑर्डिनेटिंग टीम्स का डायरेक्ट पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन दे आर इन देयर टू सपोर्ट द कोर टीम. उनको उनके पास वो रोल्स होते हैं जो कोर टीम को सपोर्ट करते हैं, सच एज वार्ड के अंदर डाइटिशियंस हैं या नर्सिंग सुपरवाइजर्स होते हैं. दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग टीम्स. नेक्स्ट हमारे पास है एंसिलरी सर्विसेज. एंसिलरी सर्विसेज आर द क्लिनिकल सर्विसेज. ये वो सर्विसेज होती हैं जो फिजिशियन के वर्क को ईजी करती हैं फॉर द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट. इनके अंदर एग्जाम्पल्स हो सकती हैं जैसे लैब टेस्ट हैं, रेडियोलॉजी है, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, MRI. इस तमाम क्लिनिकल सर्विसेज हैं जो पेशेंट की डायग्नोसिस और उसके फर्दर मैनेजमेंट में फिजिशियन को हेल्प करती हैं. नेक्स्ट हमारे पास है सपोर्ट सर्विसेज. हॉस्पिटल के अंदर जो सपोर्ट सर्विसेज होती हैं वो नॉन क्लिनिकल सर्विसेज होती हैं, सच एज फूड प्रोवाइड करना टू द पेशेंट, हॉस्पिटल सिक्योरिटी है, हॉस्पिटल क्लीनिंग हो सकती है, इसके अलावा लॉन्ड्री हो सकती है. ये तमाम जो सर्विसेज हैं नॉन क्लिनिकल हैं और ये एग्जांपल्स होंगी सपोर्ट सर्विसेज की. नेक्स्ट हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेशन है. वो भी एक टीम का हिस्सा होती है हेल्थ केयर सिस्टम में. एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक पर्पस होता है कि उन्होंने पॉलिसीज को, हॉस्पिटल पॉलिसीज को जनरेट करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनका चेक एंड बैलेंस रखना है और उन्होंने एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल एनवायरमेंट जो है क्रिएट करनी है. वन अदर टाइप ऑफ टीम है विच इज कॉल्ड कंटिनजेंसी टीम्स. कंटिनजेंसी टीम्स जो होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन होती हैं, शॉर्ट टर्म होती हैं. एग्जाम्पल है जैसे एक मेडिकल वार्ड के अंदर एक कॉम्प्लेक्स एंटीबायोटिक रेजिमेन है वो स्टार्ट करना है. सो एक पेशेंट है वो इज ऑलरेडी टेकिंग सम एंटीबायोटिक्स और कुछ ड्रग्स ले रहा है, तो रेजिडेंट्स ने एक फार्मासिस्ट को कॉल करते हैं बिकॉज ही नोज बेटर अबाउट द ड्रग्स. ये ड्रग इंटरेक्शन कैसा होगा, क्या हम ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिमेंट इस पर्टिकुलर पेशेंट में स्टार्ट कर सकते हैं. इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो फार्मासिस्ट और जो मेडिकल रेजिडेंट्स हैं उनकी जो टीम है वो शॉर्ट टर्म के लिए है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिनजेंसी टीम. इज इट क्लियर? यस मैम. कंटिनजेंसी टीम दोबारा बता दे एक दफा. और मैम कोर टीम भी. कंटिनजेंसी का वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म होना, शॉर्ट लिव्ड होना, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन होना. इसके अंदर वो हेल्थ केयर टीम्स आती हैं जिनका आपस में जो जो टीम प्लेयर्स होते हैं या जो टीम वर्कर्स होते हैं उनका इंटरेक्शन शॉर्ट टर्म होता है, थोड़ी देर के लिए होता है. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल जो दी थी वो एक मेडिकल वार्ड की दी थी, जो मेडिकल रेजिडेंट्स एक कंसल्ट करते हैं विद द फार्मासिस्ट के साथ. इन दैट केस फार्मासिस्ट और मेडिकल रेजिडेंट्स की एक टीम है, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए. ओके.
थैंक यू मैम. कोर टीम के अंदर जो है बेसिकली वो तमाम मेंबर्स आ जाते हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट है पेशेंट मैनेजमेंट के साथ. उसमें एग्जांपल्स हमने ली थी डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की. जो पैरामेडिक्स होते हैं, एक वार्ड के अंदर वार्ड बॉय होता है, पैरामेडिक्स होते हैं, वो किस टीम के अंदर फॉल करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग. ओके, नंबर वन कोऑर्डिनेटिंग टीम में भी फॉल करते हैं और एक और टीम के अंदर फॉल करते हैं. सपोर्टिव जो उनकी सर्विसेज होंगी. यस, सपोर्टिव सर्विसेज में भी फॉल करते हैं. नेक्स्ट, टकमैन ने जो है वो आइडेंटिफाई किया था कि जब भी कोई टीम फॉर्म की जाती है तो उसकी टीम फॉर्मेशन और टीम की डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. नंबर वन, फॉर एग्जांपल जब एक टीम फॉर्म की जाती है, हम एग्जांपल लेते हैं एक न्यू सेटअप है, उसको हमने एस्टेब्लिश किया है, वहां पर एक डॉक्टर मौजूद है, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिक्स हैं, दे आर मेकिंग अप अ टीम. उनका जो फर्स्ट स्टेप होता है टीम फॉर्मेशन का, वो फॉर्मिंग है, जिसके अंदर तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं. दे हैव द कम्युनिकेशन बैरियर है और वो एक दूसरे को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं. दे आर नॉट ट्रीटिंग ईच अदर एज अ पार्ट ऑफ टीम. ये टीम फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है. नेक्स्ट स्टेप जो होता है डेट इज स्टॉर्मिंग. स्टॉर्मिंग के अंदर यह होता है कि जो टीम मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन वो स्टिल एक दूसरे को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं, नॉट ट्रीट ईच अदर एज अ पार्ट ऑफ टीम. फॉर्मिंग के अंदर कम्युनिकेशन बैरियर भी था और इंडिविजुअल्स एक दूसरे को स्ट्रेंजर्स थे एक दूसरे के लिए. स्टॉर्मिंग के अंदर जो उनकी स्ट्रेंजनेस थी वो सबसाइड कर जाती है, वो कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन स्टिल उनके अंदर जो गैप होता है वो होता है कि वो अभी भी अपने आप को टीम का हिस्सा नहीं समझते. नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो नॉर्मिंग का होता है. नॉर्मिंग के अंदर इंडिविजुअल्स विद इन अ टीम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को टीम का हिस्सा समझते हैं, अपने आप को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट नहीं करते. अदर देन डैट वो एक दूसरे के जो व्यू पॉइंट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं. स्टॉर्मिंग के अंदर इंडिविजुअल्स चूंकि एक दूसरे को टीम का हिस्सा नहीं समझते, इंडिविजुअल ही अपने आप को समझते हैं, तो वो एक दूसरे के जो उनके व्यू पॉइंट्स होते हैं वो कन्फ्लिक्ट करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते. नॉर्मिंग के अंदर जो व्यू पॉइंट्स की एक्सेप्टेंस आ जाती है. जो लास्ट स्टेप होता है टीम फॉर्मेशन का और टीम डेवलपमेंट का, डेट इज परफॉर्मिंग, जिसके अंदर तमाम इंडिविजुअल्स विद इन अ टीम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं एज अ टीम मेंबर्स. और अब जो उन एक दूसरे को टास्क असाइन किया जाता है इन ऑर्डर टू अचीव वन गोल, ये परफॉर्मिंग है, विच इज अ हायर लेवल. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट जो है, एक सक्सेसफुल टीम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो उसकी डेफिनेशन के अंदर भी आती हैं. जैसे हमने पढ़ा था कि टीम का जो होता है उनका एक ही पर्पस और गोल होता है, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, उनके अंदर गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर सकता है लेकिन दे आर एबल टू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट. उनके पास डिफरेंट टेक्निक्स होनी चाहिए कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है विद इन द टीम तो वो उसको रिजॉल्व कर सके. नेक्स्ट, उनके अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए और मॉनिटरिंग होनी चाहिए. मॉनिटरिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, दूसरे टीम मेंबर्स की भी होनी चाहिए और सिचुएशन की भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि अगर कोई इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है तो फिर उनको कैसे हैंडल करना है. लास्टली, उनके अंदर फ्लेक्सीबिलिटी होनी चाहिए. फ्लेक्सीबिलिटी मीन्स डैट उनके अंदर रैंक्स का जो है वो ईगोज नहीं होंगी. इन केस अगर अनएक्सपेक्टेड कोई सिचुएशन उनके सामने अराइज करती है तो इन दैट केस वो एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ रैंक्स. ये हमने हायर रिलायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस की भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी. नेक्स्ट जो है वो लीडरशिप, अकॉर्डिंग टू टीम स्टेप्स ने लीडरशिप की भी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो डिफाइन की हैं. नंबर वन, कि वो टास्क और असाइनमेंट्स को डेलीगेट करते हैं, कंडक्ट करते हैं ब्रीफ्स को, टीम मेंबर्स की एम्पावरिंग है ताकि वो भी फ्रीली स्पीक कर सकें और अगर उनके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं दे कैन आस्क. टीम मेंबर्स का सिर्फ ये काम नहीं है कि लीडर हैज टोल्ड देम एंड दे हैव टू फॉलो. नो, अगर उन्हें किसी बात की समझ नहीं आती, इफ दे हैव मोर गुड रिकमेंडेशन तो वो उसको प्रपोज कर सकते हैं.
डिफरेंट एक्टिविटीज हैं इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर द टीम एंड इंस्पायरिंग फॉलोअर्स, और एक ओवरऑल जो है उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड जो है अपनी टीम के अंदर मेंटेन करना है. नेक्स्ट आर सम बैरियर्स टू टीम वर्क. टीम वर्क में कुछ बैरियर्स होते हैं सच एज चेंजिंग रूल्स विद इन अ टीम. अगर आपने रूल्स डिफरेंट टीम मेंबर्स को असाइन किए हैं और आप एब्रप्टली चेंज कर देते हैं, उसकी वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगा और इसके अलावा जो एफिशिएंसी होती है उस टीम की वो मुतासिर होती है. नेक्स्ट आर द मेडिकल रैंक्स. जिन टीम्स के अंदर रैंक्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू एक्सपर्टीज, उनकी एफिशिएंसी जो होती है वो लो होती है. देन इज द इंडिविजुअलिस्टिक नेचर है मेडिसिन की, पर्टिकुलर फील्ड है जिसके अंदर टीम वर्क जो है उसका कोलैबोरेशन कम है. इंस्टेड जो है एक इंडिविजुअल वर्क जो है उसको इम्पोर्टेंस ज्यादा दी जाती है. नेक्स्ट इज द इंस्टेबिलिटी नेचर है टीम्स की. फॉर एग्जाम्पल वो टीम्स तो शॉर्ट टर्म होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं, उनके अंदर भी कम्युनिकेशन बैरियर हो सकते हैं और ये टीम वर्क की एफिशिएंसी को मुतासिर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इमरजेंसी 3 to 4 रेजिडेंट्स ने उनकी एक टीम बनाई गई थी इन अ पर्टिकुलर डे में कि उनकी आज इमरजेंसी है, दे आर मेकिंग अप अ टीम. नेक्स्ट टाइम इमरजेंसी के अंदर इंडिविजुअल्स की रोटेशन होगी, अगेन नेक्स्ट टाइम दूसरे इंडिविजुअल्स जो है उनको एनरोल किया जाएगा, दे आर मेकिंग अप अ टीम. दिस विल टेक अ टाइम, ठीक है. तो दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी नेचर ऑफ द टीम. के अंदर फेलियर्स क्यों होते हैं, उसकी 3 जो है बेसिक रीजंस होती हैं. 1 इज कि अगर टीम के अंदर मौजूद तमाम टीम मेंबर्स के रोल्स को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, और लास्ट थिंग इज कि मिसकम्युनिकेशन है विद इन द टीम मेंबर्स, वेदर वो इंफॉर्मेशनल है या पर्सनल है, उसकी वजह से भी जो है वो टीम फेलियर है. नेक्स्ट इज टीम की परफॉर्मेंस को असेस कैसे किया जा सकता है. वर्क प्लेस पे असेस किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल जो रेजिडेंट्स वार्ड्स के अंदर रिलेटेड एनवायरनमेंट्स हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे उनके टेस्ट लिए जा सकते हैं वाया शॉर्ट केसेस उनको दिए जा सकते हैं, लॉन्ग केसेस दिए जा सकते हैं. थ्रू ऑब्जर्विंग द टीम वर्क एक्सरसाइजेस जब वो टीम के फॉर्म में काम कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, उनके असेसमेंट की जा सकती है. फॉर एग्जांपल जैसे वो किसी इमरजेंसी के अंदर वर्क कर रहे हैं एज अ टीम, ऑब्जर्व किया जा सकता है. जो टीम वर्क की असेसमेंट होती है वो इंटरनल भी हो सकती है, लाइक जो उनके सीनियर्स हैं वो उनको असेस कर सकते हैं, या एक्सटर्नल भी हो सकती है. नेक्स्ट जो है कम्युनिकेशन टेक्निक्स होती हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम में यूटिलाइज की जाती हैं ताकि मिसकम्युनिकेशन को प्रिवेंट किया जा सके और पेशेंट केयर और सेफ्टी को जो है वो प्रायोरिटाइज किया जाए. उसके अंदर जो है 1 कॉल आउट है, जिस पर्टिकुलर पर्सन से हमें वर्क है उसी को कॉल किया जाए. फॉर एग्जांपल जैसे एक मेडिकल वार्ड के अंदर हमने ऑनकोलॉजी के लिए ऑनकोलॉजी की हमें कंसल्टेंसी चाहिए, हम ऑन कॉल जो है वहाँ पर कॉल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कॉल भेज सकते हैं. 1. 2 चेक बैक. चेक बैक के अंदर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, इन अ मेडिकल वार्ड कंसल्टेंट हैज ऑर्डर्ड द रेजिडेंट टू डू द ईसीजी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. कंसल्टेंट को लग रहा है कि पेशेंट को माइट बी एंजाइना हो. फर्दर जो रेजिडेंट हैज परफॉर्म द ईसीजी, उसने देखा ईसीजी नॉर्मल है. इन दैट अब कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर ये आ सकता है कि जब रेजिडेंट ने ईसीजी परफॉर्म की, उसने देखा ईसीजी नॉर्मल है, उसने कंसल्टेंट को फीडबैक नहीं दिया, ये मिसकम्युनिकेशन है. इन दैट केस अगर रेजिडेंट हैज परफॉर्म द ईसीजी, ईसीजी नॉर्मल है, वो कम्युनिकेट कर देता है कि ईसीजी इज ऑल राइट, इट फॉर्म्स अ क्लोज लूप. और यहाँ पर एक और भी हो सकता है कि कंसल्टेंट खुद जो है रेजिडेंट से दोबारा पूछ सकता है कि हैव यू डन द ईसीजी. इस केस में जो कम्युनिकेशन होती है वो क्लोज लूप के फॉर्म में होती है. जिसने मैसेज दिया है उसने मैसेज को वेरीफाई भी किया है, जिसने रिसीव किया है उसने फीडबैक भी दी है. दिस इज द क्लोज लूप कम्युनिकेशन. हैंड ओवर या हैंड ऑफ ये भी टेक्निक है कम्युनिकेशन की. फॉर एग्जांपल मॉर्निंग शिफ्ट जो है वो चेंज हो गया इवनिंग शिफ्ट में. मॉर्निंग शिफ्ट वालों ने जाने से पहले डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में तमाम वार्ड्स के अंदर जो पेशेंट्स मौजूद हैं उनकी समरी
और जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस हैं डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में इवनिंग शिफ्ट वालों को हैंड ओवर कर दिए। तो ये हैंड ऑफ और हैंड ओवर की एग्जाम्पल है। SBARB एक टेक्निक है कम्युनिकेशन की, उसके 4 स्टेप्स हैं। 1 इज सिचुएशन, नेक्स्ट है बैकग्राउंड, 3rd असेसमेंट एंड लास्ट रिकमेंडेशन है। सिचुएशन ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑन कॉल रेजिडेंट है, वार्ड के अंदर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, वो कंसल्टेंट को कॉल करता है और पेशेंट की प्रेजेंट सिचुएशन बताता है। नेक्स्ट वो पेशेंट का बैकग्राउंड बताता है, बैकग्राउंड में कि उसको लग रहा है फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को रेजिडेंट को ऑन कॉल रेजिडेंट को लग रहा है कि पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है। वो पेशेंट का बैकग्राउंड हो सकता है कि प्रीवियस पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन था जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, पेशेंट का मिट्रल स्टेनोसिस था जिसकी वजह से वो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। थर्ड स्टेप है असेसमेंट का, ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट की प्रेजेंट सिचुएशन और उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री की बेसिस पर रेजिडेंट ने क्या असेस किया है, रेजिडेंट ने असेस किया कि उसको एफिब है तो वो ये चार, और लास्टली रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन में वो कॉल करता है कंसल्टेंट को और वो कहता है कि आई थिंक आई नीड, पेशेंट इज हैविंग एफिब एंड वी नीड टू डू एन ECG, वी माइट नीड सम इमरजेंसी ड्रग्स। तो ये उसकी रिकमेंडेशन है। तो ये SBARP जो है वो कम्युनिकेशन की एक टेक्निक है। कम्युनिकेशन टेक्निक्स क्लियर है? यस मैम। निम्रा अफसल रिकमेंडेशन का बता। ओके, रिकमेंडेशन SBAR जो है ये भी कम्युनिकेशन की एक टेक्निक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की टेक्निक है। उसका जो लास्ट स्टेप है रिकमेंडेशन, इट मींस कि जिसने उस टाइम पर मौजूद जो रेजिडेंट है, डॉक्टर है, कोई नर्सिंग स्टाफ हो सकता है, इवन कोई पैरामेडिक हो सकता है, उसने उस टाइम जो असेस किया है ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट, उसको क्या लगता है कि पेशेंट को के साथ क्या करना चाहिए, उसका कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए, कोई लैब टेस्ट है वो क्या परफॉर्म करना चाहिए रिगार्डिंग द पर्टिकुलर सिचुएशन, वो रिकमेंडेशन होती है। मैम इमरा सर। ओके निम्रा, आपने चेक बैग की एग्जांपल देनी है। व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम चेक बैग, ये कम्युनिकेशन की एक टेक्निक है। मैम मेरा नेट इशू है, मुझे आपकी आवाज। ओके अब्दुल लतीफ खान। Yes, ma'am. आपने आपको चेक बैग की क्या समझ आई है, ये कम्युनिकेशन की टेक्निक है, कोई एग्जांपल आपने देनी है। चेक बैग की है ये, हमने अब किसी को मैसेज दिया तो उसका में मैसेज वापस रिसीव भी होता है। ओके मैसेज सेंडर ने मैसेज दिया, रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया, ये एक ओपन लूप है, ये क्लोज लूप कब होगा? क्लोज लूप मींस डेट कि जिसने इंफॉर्मेशन दी है, स्टार्ट की है, इंफॉर्मेशन उसके पास वापिस आएगी। वापिस दो ही सूरतों में आ सकती है, कि जो रिसीवर है वो इन्फॉर्म करे या सेंडर खुद वेरीफाई करे। फॉर एग्जाम्पल ऑनकोलॉजी वार्ड के अंदर एक पेशेंट एडमिटेड है, इज हैविंग अ नेक स्वेलिंग, कंसल्टेंट रेजिडेंट से कहते हैं कि इसकी बायोप्सी करवानी है। ठीक है, रेजिडेंट बायोप्सी होती है पेशेंट की और वो रिपोर्ट जो है वो शेयर करता है विद द कंसल्टेंट। इन दैट केस जो इंफॉर्मेशन थी जो कंसल्टेंट से स्टार्ट हुई थी कंसल्टेंट तक पहुंच गई है, एक क्लोज लूप कम्युनिकेशन है, दिस इज कॉल्ड चेक बैग। इसका दूसरा जो है वो एक स्टेप ये हो सकता है कि कंसल्टेंट खुद रेजिडेंट से वेरीफाई करता है कि जिस पेशेंट की बायोप्सी के लिए बायोप्सी सेंड की गई थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। अगर तो वो बता दिया जाता है कि रिपोर्ट आ गई और उसके अंदर जो है वो मैलिग्नेंसी आई है, तो ये अगेन एक क्लोज लूप है। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम जैसे किसी ने रिकमेंड किया है डॉक्टर ने कि उसके ऑपरेट होना है, ठीक है, तो उसके बाद सर्जरी जैसे होती है, सर्जरी होगी, रिकमेंड जिस डॉक्टर ने किया है सर्जरी होगी सक्सेसफुल हुई है, उसके बाद उसके पास रिपोर्ट आती है कि
उसे सारा गो थ्रू एक दफा करना है कि सारा प्रोसीजर सही हुआ था कि नहीं, वो भी चेक बैक पे आएगा, वो भी चेक बैक में आएगा। आइदर तो पेशेंट जो है वो खुद अपने जो प्राइमरी फिजिशियन को इन्फॉर्म कर रहा है कि इस तरह आपने रिकमेंड की थी, सर्जन हैज परफॉर्म्ड द सर्जरी, नाउ दिस इज द रिजल्ट, ये इसकी एक फॉर्म ये है। सेकंड फॉर्म ये हो सकती है जो प्राइमरी फिजिशियन खुद जो है वो एक्टिवली पेशेंट से कंसल्ट कर सकता है या सर्जन से वो बात कर सकता है। एनी क्वेश्चन? मैम एक बार कॉल आउट बता दे। मैम एसबीआर, ये एसबीआर का हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन मेडिकल पर्सन और जो नॉन मेडिकल हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनके दरमियान इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है ताकि पेशेंट केयर और सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। कॉल आउट की एक एग्जाम्पल ये हो सकती है कि जिस पर्सन से आपका वर्क है आप डायरेक्टली उसको कॉल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एक पेशेंट है मेडिकल वार्ड के अंदर जिनका सस्पेक्टेड ये है कि ही इज हैविंग ट्यूबरकुलस मेनिनजाइटिस है, उसको कंफर्म करना है लंबर पंक्चर से, लेकिन वहां पर मौजूद कोई सीनियर उस टाइम ऑन कॉल कोई सीनियर रेजिडेंट मौजूद नहीं है, आप एनेस्थीसिया में कॉल भेजते हैं, वो आकर लंबर पंक्चर करते हैं, ठीक है। यूजुअली ये होता है कि जब एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करना होता है थ्रू वार्ड्स के जरिए, तो वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉल आउट। या विद इन अ वार्ड कॉल आउट की एग्जाम्पल हो सकती है, विद इन अ वार्ड एक पेशेंट को है वो कार्डिक अरेस्ट में चला गया, वहां पर मौजूद जो है एक रेजिडेंट है, ही हैज स्टार्टेड डूइंग द सीपीआर, जो रेजिडेंट्स को कॉल करता है, वो नर्सिंग स्टाफ को कॉल करता है कि इमरजेंसी ट्रे को लेकर आए, तो दिस कैन ऑल्सो कम अंडर द एग्जाम्पल ऑफ कॉल आउट। फर्दर जो हमारे पास एस बी ए आर होता है, ये भी इफेक्टिव मोड है कम्युनिकेशन का, जिस पर्सन ने इंफॉर्मेशन को सेंड करना है उसने इन चार चीजों पे को कवर करना है। नंबर वन, उसने प्रेजेंट सिचुएशन को कवर करना है कि वो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है पेशेंट की। नंबर टू, पेशेंट की पास्ट मेडिकल या कोई पास्ट हिस्ट्री कोई ऐसी इंपॉर्टेंट है जो लिंक कर रही है उसकी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल एक वार्ड के अंदर एक पेशेंट है who is having now the upper GI bleed, sudden उसको जो है hematemesis start हो गया, blood उसकी vomiting में आ रहा है, ठीक है। उसकी past medical history में ये important है कि patient को hep C था और patient liver failure का है, ये उसकी background में important है। उसकी वजह से उसने क्या assess किया, उसकी वजह से उसने ये assess किया कि now the patient can go into hypovolemic shock। recommend क्या करेगा, recommend वो उस time में ये कर सकता है कि वो उसको IV fluids provide करे, ट्रांसामीन दे, एंटीकोएगुलेंट्स ऐड करे, कोएगुलेंट्स ऐड करे ताकि उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाए। इज इट क्लियर? यस मैम। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लेक्चर टुडे? फातिमा यूसुफ, फाखरा जफर, हाफिजा फिजा, उमर फारूक, शहर बानो, ओके आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। मैं प्रेजेंट हूं मैम। मेरा नाम नहीं लिया। आई एम शहर बानो प्रेजेंट। ओके मैम, फिजा भी प्रेजेंट।
Philip, please be present, ma'am. Okay.